अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है परमोटेशन एंड कम्बिनेशन। बहुत से बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैम कम्बिनेशन जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो वो नंबर ऑफ सैम्पल्स सेलेक्ट करने के लिए कि कम्बिनेशन जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो हाथ से कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेटर से कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कम्बिनेशन की बात करते हैं, इसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं और इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन कितनी है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अगर हमारे पास 5 हो और कितने साइज का हम लोगों ने सैंपल ड्रॉ करना हो उसको आर से डिनोट कर लेते हैं, जो कि 2 है। टोटल पॉपुलेशन के कितने नंबर हैं 5 और कितने का हमने सैंपल ड्रॉ करना है 2 का। तो हम लोग जब सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करने लगते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल बनाने के लिए हम कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ सैंपल हम लोग जब निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से, हम सैंपलिंग कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से, तो नंबर ऑफ सैंपल कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास होता है जी NCR, या इसको कैपिटल हम NCN भी लिखते हैं। ये नोटेशंस है, आप जिस तरह यूज़ करें। मैंने यहाँ पे स्मॉल n से नंबर ऑफ सैंपल को डिनोट किया है और r से साइज ऑफ द सैंपल को डिनोट किया है। अब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 5C2। अब इसको कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करने लगे हैं, 5 प्रेस करेंगे शिफ्ट दबा के, यहाँ पे NCR का बटन है, ये प्रेस करेंगे और 2, और हमारे पास आंसर आ गया है जी 10। 5 शिफ्ट दबा के NCR वाला बटन और जितने का साइज हमने रखा है सैंपल 2 इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है 10। ये तो हम लोग कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो तो हम लोग इसे बाय फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है जी, जैसे कि हम लोगों ने निकाला है NCR, तो इसका फार्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब n हमारे पास हम लोग निकाल रहे थे 5 और 2 के हिसाब से, 5C2, n है 5 फैक्टोरियल ओवर r 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम लोग खोल सकते हैं 5, 4 और 3 तक खोल लेते हैं, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है तो उससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये ऊपर बच गया 5 इंटू 4, नीचे है जी 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये नीचे वाला भी खुल गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 20 एंड 2 1 2, अब इसको कैंसिल करेंगे 2 1 2, 2 10 20, तो हमारे पास आंसर आ गया 10। 5C2 का आंसर हमारे पास आ गया 10। अब आप लोग देख सकते हैं जब हमने फार्मूला लगाकर कम्बिनेशन को ओपन किया तब भी आंसर हमारे पास 10 आया, सिंपल हम लोग जब कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे थे तब भी हमारे पास 10 आया। तो ये बच्चे जो विदाउट रिप्लेसमेंट करते हुए हम लोगों ने सैंपल नंबर ऑफ सैंपल कैलकुलेट करने होते हैं तो हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं NCN का। N क्या है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन और कम्बिनेशन, और स्मॉल n या r हम लोग साइज ऑफ द सैंपल को शो कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम इजीली कम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय हैंड एंड बाय कैलकुलेटर।